बोलिया। मैंने उनसे पूछा सीधा सवाल, मैंने कहा आप साइंस को मानते हैं या शास्त्र को? बोले कि साइंस का उदय तो शास्त्रों से हुआ। मैं कहा फिर मैंने तो ये सुन रखा है जो नेसेसिटी है इतनी मतलब इन्वेंशन, मतलब जो नेसेसिटी है वो ही हमारी खोज करती है। हमारा जो खोज करने का तरीका है, आप वैसे पता नहीं आप क्या मानते होंगे, मनुवाद में लिखा के ब्रह्मा से विष्णु अवतार ने, मनु ने यहां पर जन्म लिया, उसने मैथुन के जरिए सृष्टि रची। लेकिन हमने सुना था कि ये सूर्य से टूट करके एक टुकड़ा अलग हुआ, उसके ऊपर ठंडी हुई पृथ्वी, ठंडी हुई पानी आया, जीव जंतु आए, और इसी प्रकार से यहां पर जो डायनासोर तक प्रजातियां गई उसी से हाथी घोड़े आदमी, जो पशुओं जैसा आदमी भालू पूंछ वाला बालों वाला जानवर मारकर खाने वाला, आहिस्ता आहिस्ता उसने पत्थर से आग जलानी सीखी, फिर उसने मांस को भून के खाना शुरू किया, चट्टानों की गुफाओं से निकल करके झोपड़ी बनानी शुरू की। सिंधु घाटी की सभ्यता 4500 ईस्वी पूर्व, पूरा का पूरा हमारे देश के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सब कुछ रखा है। हमारा देश निपुण, हमारा देश जो था ना हिंदू था ना मुसलमान था, ये सिर्फ इंसान था। लेकिन मिश्र घाटी की सभ्यता जो हमारे से 10,000 साल, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता 4500 ईस्वी पूर्व का मतलब हो गया 2020 उसमें और जोड़ेंगे 6720 से 8000 साल तक का समय काल, कार्यकाल, जो इस काल में सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हुई और मिश्र घाटी की सभ्यता 10,000 साल पहले विकसित हुई, यानी हमारे से 2000 साल पहले। वहां से यूरेशिया से आर्यन लोग इस देश के ऊपर आए और यहाँ के मूल निवासियों को चार वर्णीय व्यवस्था के अंदर फंसा दिया। तीन वर्ण थे उनमें एक एक जात बराबर, जो अच्छे ज्यादा इंटेलिजेंट थे वो ब्रह्म, जो थोड़े भुजाओं से मजबूत और थोड़े कम दमागे थे वो रक्षक, ब्राह्मण शिक्षक बन गया, मजबूत से बॉडी वाला रक्षक बन गया, और जो चल नहीं सकता था उद्गान पर बैठ करके पोषक बन गया, और हम सब सेवक बन गए। उस सेवक समाज की स्थिति गुलामों की पशुओं की तरह खरीदा और बेचा गया, और उनके ऊपर भ्रांतियां ला दी गई, भ्रांतियां के अगर सूत्र को कोई पढ़ाएगा उसकी जीव काट दो, उसके कान में शीशा ओढ़ के डाल दो। ये मनोस्मृति में ढोल सूत्र पशु और नारी के जो सिलेख लिखे हुए हैं, लेख लिखे हुए हैं, ये सब का सब विश्लेषण आज से 2500 साल पहले लिखा गया, जो जब पुष्यमित्र सून ने हमारे देश के मौर्य साम्राज्य को खत्म करके जब अयोध्या बसाई तब ये 2500 साल पहले ये सारा कुछ लिखा गया। लेकिन मैं महात्मा ज्योतिबा फुले जो आज से 200 साल पहले, आज हम उसको याद कर रहे हैं, माता सुमित्रीबाई फुले को याद कर रहे हैं, किसी भी स्कूल में आप उनका फोटो नहीं मिलेगा, सरस्वती के फोटो मिलेंगे, लक्ष्मी के फोटो मिलेंगे, ये पता नहीं किसके घर में जमी, किसका पिता कौन है, ये थे कौन, कहां से आए, हम उनके फोटो लगा करके अपने स्कूलों में आज उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं कि शास्त्र अगर हमें विद्या दे रहे थे तो वो जानवर जैसा इंसान जिसे न खाने का पता था न बैठने का पता था, वो जानवर जैसा इंसान जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे रिसर्च करता गया, ये शास्त्र इनमें जिसमें ज्यादा भगवान का विश्लेषण नहीं रखा है। भगवान आप किसे मानते हैं? अरे भगवान सांप में, बिच्छू में, कीड़े में, मकौड़े में, पशु में, जानवर में और इंसान में, सभी में तो भगवान है। अगर भगवान की परिभाषा मानते हैं तो वो भगवान किसी आदमी में नहीं हो सकता, भगवान किसी आदमी का नाम भी नहीं हो सकता। भगवान की परिभाषा एक ये अलौकिक शक्ति है जो इस नेचर को चला रही है। इंग्लिश में हम उसको नेचर कहेंगे, उर्दू में हम उसे कुदरत कहेंगे, हिंदी में उसे हम सृष्टि कहेंगे, यही भगवान है। उसने एक दूसरे खुरा इस दुनिया का साइकिल बना रखा, भगवान कहीं बैठा नहीं। ये जो शास्त्रों में पढ़ा दिया गया, शास्त्रों में पढ़ाया क्या गया कि कुछ रूह है स्वर्ग जाती है, कुछ रूह है जैसे अभी भी कोई बात कह रहे हैं यहां कि भाई स्वर्ग जाओगे, ना कोई स्वर्ग में जाता है ना कोई नरक में जाता है, यही से पैदा होते हैं, यह सारी स्थिति यही से पैदा होती है। मैं एग्जाम्पल अपने ऊपर दे देता हूं, आपको बुरा ना माने, मैं आज 87 साल का या 70 साल का व्यक्ति, 70 साल पहले मैं कहां था? मैं अपने मां बाप के सिमर में था, अपने मां बाप के सपरम के साथ हमारे माता पिता मिले तो मैं पैदा हुआ,
पहले में कहां था, उनके स्पर्म कहां से बने, उनका सीमन कहां से बना, वो खून से बना, वो खून किस चीज से बना, उससे पहले का खून में था, वो खून कहां से बना, जो हमने डाइट ली उससे वो खून बना, उससे पहले खून से पहले उस डाइट में था, वो डाइट फल थी या अनाज था, वो कहां से पैदा हुआ, जो कोई बीज जमीन के संपर्क में आया, पानी के संपर्क में आया, हवा के संपर्क में आया, ऊर्जा के संपर्क में आया, कोई भी जीव जब उत्पन्न हुआ वो डाइट हमने खाई, उससे पहले मैं जमीन में था, पानी में था, हवा में था, अग्नि में था, चारों चीजों के संपर्क से जो डाइट बनी, फल बने, पौधे बने, वो मेरे माता पिता ने खाए, खून बना, फिर सीमन बना, फिर मैं पैदा हुआ, और जिस दिन मैं मरूंगा सबसे पहले हवा निकल जाएगी, हवा भी मिल गई, उसके बाद शरीर ठंडा पड़ गया, अग्नि में मिल गई, किसी ने दफना दिया, किसी ने जला दिया, मिट्टी मिल गई, पानी पड़ियों मिल गया, ना मैं कहीं से आया था और ना मैं कहीं गया। अगर आप इस बात को मानते हो कि लोग कहते हैं कि ये सृष्टि में लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ हमारी आबादी 30 करोड़ थी, 12 करोड़ लोग चले गए पाकिस्तान में, 23 करोड़ हमारे यहां रह गए, इन 23 करोड़ के आज हम 140 करोड़ हो गए, और अगर कीट पतंगे जीव जंतु कीड़े मकोड़े जैसे जैसे गंदगी फैल रही वैसे वैसे कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े वो भी बढ़ रहे हैं, तो जब 84 लाख दुनिया की बात करते हैं तो आपसे मैं जानना ये चाहता हूं कि क्या 84 लाख दुनिया ऊपर बढ़ा के ना रखी, ये जो आबादी है आज 140 करोड़ ऊपर बैठा के रखे मेरे भगवान ने, ये यहीं से सारी उत्पत्ति पैदा हुई, जैसे आप लोग खाना झूठा कहीं बर्तन धोते हो वहां एक दिन के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, आपके जो 4 दिन ना रहे तो उसके कपड़ों में जुए पड़ जाती हैं, उनका बीज थोड़ी रोकता है कोई मां, ये सब कुछ उत्पत्ति इसी सृष्टि में यही 4 चीजों से पैदा हुई, लेकिन शास्त्रों ने ऐसा दिखा दिया कि ये नीच तबका जो है ये यही रहना चाहिए, इसको शास्त्रों में धकेल करके विश्वास और पाखंड में जो हमें धकेल रहे हैं उनकी हम पूजा कर रहे हैं, जो इस देश का निर्माण कर रहे हैं उनसे हम नफरत कर रहे हैं, जब तक हम नफरत नहीं छोड़ेंगे इस देश का निर्माण हम नहीं कर सकते। मैं तीसरी बात आपके बीच में कहना चाहूंगा, अभी कुछ कह रहे थे भागीदारी, कई भाइयों ने भाषण दिया भागीदारी का, एक किसान के खेत में एक आवेदन यात्रा, वो 5वां हिस्सा या 6वां हिस्सा करता है, वो भी भागीदारी होती है, लेकिन क्या किसान के ऑर्डर चलेंगे या उस आदमी के ऑर्डर चलेंगे जो खेत में हिस्सेदारी कर रहा है मजदूर, उसके आदेश चलेंगे, वो भी भागीदारी है। ये जो हमारे एमपी और एमएलए बन रहे हैं, जिनसे राजपाला जी सवाल कर रही थी, मैं ये बात कह रहा था कि आप गलत व्यक्ति के साथ सवाल कर रहे हैं, सवाल वहां किया जाए जहां उसकी करनी और कथनी में फर्क ना हो, सवाल का मैं कमजोर था, इसलिए मैं रोक रहा था, मैं कह रहा ये मंच ही छोड़ दे यही बहुत है, वो तो फिर भी हिम्मत की बात है, वो छोड़ के चले गए, नहीं तो आप सब सुनते रहते रात के 10 बजे वो सुनाता रहता, वो छोड़कर ना जाना, ये लोग आज भी पार्लियामेंट में 125 SC बैठे हैं, 125 SC में 80 लोग बैठ के बैठे हैं, जब पूरा हरियाणा जला यही बीजेपी तमाशा देख रही थी और हमारे लोग मुझे टोकते थे, जिस केस को 4-5 साल तक सुरैया की आंख सुन नहीं रहे, हमारे इस TNT को, हमारे इस WTP को, इन सब लोगों के लिए उसने न जाने रिजर्वेशन से मजबूत कास्टों के लोगों को निकालने के लिए हर संभव हमारा समर्थन किया, हमारा सहयोग किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी जो जातियां नहीं चलने दे सकती, तो आप कौन सी भागीदारी की बात कर रहे हैं? अरे ये भागीदार जिनको आप समझ रहे हैं कि एमपी बनाओ एमएलए बनाओ, ये सारे एमपी और एमएलए जिस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के अंदर किसी जाति की संख्या ज्यादा होगी, यादव जाना है, कुम्हार जाना है, सैनी जाना है, जाटव जाना है, जो भी जाना है उसको वहां वो राजनीतिक दल टिकटे देते हैं, और टिकटे मिलते हैं इन बड़ी पार्टियों से,
हमारे समाजों के लोग इनके पीछे भागते हैं, जो वहां से टिकट ले आया, पैसे देकर ले आया, चापलूसी से लाया, इंप्रेशन से लाया, हम उन लोगों के पीछे भागते हैं, अपनों को छोड़ जाते हैं। फिर हम उन ये टिकट लाया बड़ी पार्टी की, फिर हम उन बड़ी पार्टियों के एमपी बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, जो हमारे समाजों में टिकट दे करके कबूतर फाड़ते हैं। एक कबूतर बेच रहा था कोई बाजार में, तो ग्राहक पूछने लगा, भाई ये कबूतर कितने का? बोले जी 100 रुपए का। बोले भाई ये मेरे को छोटा हाथ दे दे। बोले ये कितने का? बोले ये 1000 का। बोले अभी ये 100 का क्यों, ये छोटा 1000 का क्यों? बोले इसको मैं रस्सी बांध करके बीच में जंगल में छोड़ता हूँ, इससे आवाज निकलवाता हूँ, सारे कबूतर इसकी इमदाद में आते हैं, और मैं फिर कबूतरों को जाड़ में बांध करके मार्केट में बेचता हूँ, ये तो मेरा पालतू कबूतर है, और इसको मैं इसलिए 1000 में भी बेचना नहीं चलता, पर खरीदने आ गया तो मैं बेच देता हूँ। तो उसने वो 1000 में ले लिया, जाके उसे जंगल में छोड़ा। जंगल में छोड़ के वापिस उसके पास आया, बोला जी वो तो मैं छोड़ दिया। बोले अभी 1000 भी ये लगाया, जंगल में क्यों छोड़ा? बोले इसको जो है ना, हमारे साथ हमारे समाज में रहने का अधिकार नहीं है, जो हमारा गला कटवा करके हमारे लोगों को जाड़ में फंसा करके उनकी गर्दनें कटाता है, इसलिए इसको जंगल में छोड़ दिया। हमारे समाजों के जो एमपी और एमएलए, वो आप सोच रहे हो वो आपकी लड़ाई लड़ते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगली टिकट की लड़ाई पहले दिन से, जिस दिन इलेक्शन जीत जाता है उसी दिन से उसके दिमाग में शिकंजा फिट हो जाता है कि अगली टिकट चापलूसी तड़वे चाट चाट करके इन लोगों की जी हजूरी करके तुम्हारी सबकी गर्दन कट जाए, लेकिन वो नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें अगली टिकट करते हैं, इसलिए वो लोग कभी तुम्हारे लिए नहीं बोलेंगे। इसीलिए मैंने ये बात लिखी कि आपको एमपी एमएलए चाहिए, कबूतर चाहिए या लीडर, जो भी हमारे समाजों में लीडर आता है, पता नहीं कितने हमले, चार चार केस चल रहे हैं हाई कोर्ट से, मैंने मेरे को फंसा करके अनेकों बार हरास किया गया, चार चार केस जिनमें हुड्डा भी है, बीजेपी भी है, दूसरे नेता भी है, हाई कोर्ट से सारे केस मैंने डैमेज कराए, डिसमिस कराए, अभी भी जानलेवा हमले होते रहते हैं। जो आपकी आवाज बोलेगा, ये राजनीतिक दल बड़े बड़े चाहे इन्हीं की टिकट पर बन गए, आप आवाज उठाकर देख लो, उसे उठा करके सेंड आउट करने के 5 मिनट लगे, इससे ज्यादा, क्योंकि आप साथ देते नहीं, इसीलिए उनकी 5-5 करोड़ की टिकट बिक रही है, क्योंकि आप उनकी टिकट के ऊपर समर्थन जुटाते हो। हमारे नेताओं ने, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, बाबा साहब ने जिस देश का संविधान लिखा उसको कभी पार्लियामेंट में जाने नहीं दिया तुम लोगों ने, जो बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब की बात करने से पहले उन लोगों को समझना होगा जो हमारी बात ना उठा करके सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करते हैं। साथियों, जब आपके स्वार्थ की बात होगी तब आपको समझना होगा कि इस देश के अंदर धर्म शास्त्रों में लिख रखा है कि जब जब देश में अधर्म बढ़ेगा तब तक भगवान इस देश में आएगा। अरे मीर कासिम ने चढ़ाई करी, आया नहीं, गजनवी ने करी, गौरी ने करी, सिकंदर ने करी, बाबर ने करी, कितने अंग्रेजों ने करी, लेकिन कोई किसी भगवान कोई किसी को बचाने नहीं आया। और मैं अब आपसे भाइयों ने एक पर्ची मेरे पास आ गई, आपके चाय इंतजार कर